हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कीवर्ड्स कितने अच्छा अच्छा कीवर्ड्स में, तगड़ा कीवर्ड्स में बताने वाला हूँ आपको आज। तो देखते रहो हमारा कीवर्ड्स जो वीडियो है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है ना, तो आप लोग हमें कॉल करके पूछ लिया करो। और आप लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हो तो ना, मैसेज नहीं किया करो ज़्यादा। हाँ, तो अगर आप लोग कॉल करके पूछ लो तो अच्छा है। कोई भी अगर आपको वहाँ पे है तो सॉल्व कर दूंगा मैं। अगर आपको कोई जो मेरे लायक होगा, मैं सॉल्व कर दूंगा आराम से, ठीक है। तो दोस्तों, मैं जो बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग अच्छा से यहाँ पे वर्क करते हो, ये सब कीवर्ड पे जो भी बताने वाला हूँ अभी, वो बहुत ही आपको यहाँ पे यूनिक और अच्छा तरीका से काम करना पड़ेगा, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे जो अपनी वेबसाइट को रैंक करा पाओ। और आप रैंक करा पाओ उसके बाद दोस्तों, आप लोग रैंक करवाने के बाद जो है, रैंक करवाने के बाद आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सको, ठीक है। तो अच्छा खासा अर्निंग करने के लिए दोस्तों, आपको तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। तो चलिए, आज का कीवर्ड्स का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। तो जो पहला कीवर्ड हमारा है, वह है यहाँ पे, देख सकते हैं जो कीवर्ड्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यहाँ पे देख लो आप लोग, जो नाम पढ़ लो। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे अनर ज्योति, यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, सीपीसी बहुत ही ज़्यादा, क्लिक भी बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है आपको। और यहाँ पे जो है ना, वेबसाइट है वो थोड़ी, यहाँ पे देख सकते हो 54 वाली रैंक है, ठीक है। तो आप सब भी रैंक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो कि जो है, ये यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे देख लो आप लोग जो भी है, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, ढेर लगा हुआ है इनका। जो भी वॉल पे क्लिक किए हैं तो कीवर्ड्स का ढेर लग गया। आप लोग कीवर्ड्स किसी भी हेल्पिंग कीवर्ड्स के माध्यम से रैंक कर जाओगे ना, एक भी कीवर्ड रैंक कर गया तो दोस्तों, आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना ट्रैफिक आपको मिलेगा एक कीवर्ड के माध्यम से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग आराम से यहाँ पे ये सब कीवर्ड पे वर्क कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, जो दूसरा कीवर्ड हमारा है वो है ए ओलाइव वर्ड। यहाँ पे देख लो सीपीसी बहुत ही ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम भी क्लिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्लिक भी अच्छा खासा आ रहा है आपको जो है यहाँ पे। हमें देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ही अच्छा खासा मिलती है सब कीवर्ड पे। उसके बाद देख लो, अगर टॉप में आप लोग रैंक करवा लेते हो ना, तो अगर आप लोग चाहते हो कि टॉप में कैसे रैंक करवाते हैं या क्या करते हैं, तो आप लोग हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको दी जाती है। आप लोग कोर्स का प्राइस भी बहुत कम है दोस्तों, मैंने हम लोगों ने बहुत ही कम रखा हुआ है। तो आप लोग थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करो और अच्छा खासा यहाँ पे अर्न करना चालू करो दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड है वह है, यहाँ पे देख लो, एपी ट्रांसपोर्ट। देख सकते हो एपी ट्रांसपोर्ट, ये क्या है एपी ट्रांसपोर्ट, क्या है टोटल चीज़ आपको मेंशन करना है अपने ब्लॉग, या आपको कुछ भी ले रहे हो आपको ब्लॉग में ही मेंशन करना है डेफिनेटली। यहाँ पे जो ट्रैफिक मिलेगी ना, एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है, ये सब कीवर्ड पे। और ये सब कीवर्ड देख सकते हो, सिर्फ 34 34 वाली वेबसाइट रैंक है, जो कि उनका ऑफिशियल वेबसाइट रैंक है। तो आप लोग भी रैंक कर लोगे अगर थोड़ी बहुत मेहनत करते हो तो दोस्तों, ठीक है। अन्यथा नहीं करोगे। आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना, उतना जल्दी आप लोग यहाँ पे कामयाबी हासिल करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेहनत ही मांगती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं बता दूँ आपको, मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना 10 से 12 बैकलिंक बनानी है और थोड़ी बहुत सोशल शेयरिंग, यहाँ पे सोशल सिग्नल देना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग बिल्कुल रैंक करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाओगे रैंक करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमको, हमारा जो कीवर्ड है दोस्तों वो है यूट।
वाई ओ यू टी यूट। यहाँ पे देख सकते हो जो है ना मिलियन में ट्रैफिक आ रहा है। ठीक, यहाँ पे जो सी पी सी है आप ही देख सकते हो, क्लिक देख सकते हो, इंडिया का ट्रैफिक देख सकते हो, और यहाँ पे देख लो जितना सारा है यहाँ पे, ये सब जो कीवर्ड्स है ना दोस्तों पूछो ही मत, इतना अच्छा कीवर्ड्स है कि मत पूछो, बहुत ही अच्छा अच्छा कीवर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये फाइनली यूट्यूब का यूट लिखा गया, यूट्यूब ही का यहाँ पे है, ठीक है, ये उन्हीं का। तो इस पे आप एक सिंगल वेबसाइट भी बना सकते हो, स्टैटिक वेबसाइट भी बना सकते हो, और अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। जैसे तो ग्राफ बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे है आपके, यहाँ पे आपको जो भी है लाइव स्क्रीन पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एक ये है कीवर्ड्स जो कि है डीलोटिल, यहाँ पे सीपीसी देखो, सर्च वॉल्यूम देख लो और क्लिक देख लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोस्तों कितना सारा यहाँ पे जो सीपीसी मिल रहा है ना, जो यहाँ पे जो व्यूअर पे क्लिक करेंगे बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ज़्यादा कंफ्यूज जाओ मत, और ये सब कीवर्ड पे आप लोग वर्क करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, थोड़ा वेट करना होगा एक दो मंथ, उसके बाद यहाँ पे वेट करना है, सोशल शेयरिंग अपडेट पोस्ट को अपडेट करते रहो, बराबर अपडेट करते रहो, ताकि आपको यहाँ पे कोई आगे तक कोई परेशानी ना हो, ताकि आप लोग कभी भी किसी भी कीवर्ड्स को रैंक करवाने में कामयाब हो पाओ दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ। तो एक एक कीवर्ड्स आप लोग देख लो। जो हमारा अगला कीवर्ड्स है वो है टी एस ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे देख लो टी एस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 82 के का सर्च बोलने में क्लिक देख सकते हो, और सी पी सी तो आप पूछो ही मत कि कितना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल जो है लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक है। तो दोस्तों आप लोग रैंक करने में आपको बहुत ही आसानी पड़ेगी, आप लोग आप रैंक कर जाओगे यहाँ पे, बहुत ही आसानी से रैंक करोगे ये सब कीवर्ड पे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है आपको, सिर्फ हल्का फुल्का मेहनत करना है, और अच्छा खासा यहाँ पे रैंक करा पाओगे ये सब कीवर्ड पे, ठीक है दोस्तों। तो आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना बहुत सारा जो यहाँ पे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन सी जो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छा खासा कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रही है मेरे यहाँ पे। ये कीवर्ड्स आपको बहुत सारे यहाँ पे बहुत जल्द बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। ये सब जो कीवर्ड्स होती है ना, एक बहुत ही अलग लेवल का कीवर्ड्स होती है, जो कि बहुत ही अच्छा कीवर्ड्स होती है, ठीक। तो आपको यहाँ पे जो मैं हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वह है दोस्तों रेंटोमोजो। रेंटोमोजो यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ मैंने 47% जो पेड ट्रैफिक है, पेड यहाँ पे इस पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग जानने के लिए आप हमारा कोर्स को ज्वाइन करो, और एफिलिएट मार्केटिंग से दोस्तों गूगल एडसेंस से दुगना तिगना चार गुना जो भी बोल लीजिए उससे ज़्यादा अर्निंग होती है एफिलिएट में एडसेंस के अलावा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग कि फेसबुक रैंक है और कुछ रैंक है नहीं खास यहाँ पे इस कीवर्ड पे। तो मैं यहाँ तो बोलूँगा इस कीवर्ड पे आपको काम डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे सीपीसी तो $1 का अप्रॉक्स मिल रहा है, जो कि बहुत ही हाई सीपीसी माना जाता है, और ये सब कीवर्ड पे सीपीसी मिलना तो अनिवार्य है। बहुत सारा कीवर्ड्स यहाँ पे आपको रैंक कराएंगे कराने होंगे, और अच्छा कीवर्ड से दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड लास्ट कीवर्ड हमारा जो है वह है स्क्रीन पे देख सकते हैं केरला वाटर अथॉरिटी, और यहाँ पे देखा तो 51 के का सच बोलूँ मैं, यहाँ पे करीब $2 का सी पी सी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, $2 का, ठीक है, सी पी सी देखने को मिल रही है। सर्च वॉल्यूम देख सकते हो कितना है, क्लिक भी देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा जो आता है मेन सब ये सब फोकस कीवर्ड आप लोग यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ना बहुत ही कम बैकलिंक में यहाँ पे रैंक है, देख सकते हो बिल्कुल बैकलिंक नहीं है, फिर भी वेबसाइट रैंक है। क्यों रैंक है? तो दोस्तों क्वालिटी कंटेंट। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लास्ट में, मैं बता रहा हूँ, तो मेरा एक वेबसाइट था उसमें मैंने सिर्फ क्वालिटी कंटेंट किसी कंटेंट राइटर से लिखवाया था,
और उसका जो कीवर्ड, उसका जो मैं कीवर्ड था थोड़ा अच्छा कीवर्ड था, और उस पर मैं सिर्फ अभी तक 7 से 8 ही आर्टिकल पब्लिश किया हूँ, मात्र 1 मंथ भी नहीं हुए हैं। और वहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि डीए जो है ना उसका 12 चल रही गई है आज एचडीएफ की, और पीए 6 है जो कि एक बहुत ही हाई अथॉरिटी हो गई है सिर्फ 6 आर्टिकल में, जो कि आर्टिकल तो बहुत ही अच्छा लिखा है। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कंटेंट इज द किंग, जब तक कंटेंट नहीं है, कंटेंट पे फोकस नहीं हो तब तक कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान देना कंटेंट पे, अन्यथा कुछ पे नहीं। कंटेंट इज द किंग, मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपको कंटेंट पे ही ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।